तो गाइस टाटा बहुत ही जल्दी अपने एंट्री लेवल्स मॉडल्स में सीएनजी के ऑप्शन लाने वाला है। टियागो, टिगोर और पंच में बहुत जल्दी आपको सीएनजी के ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं। इनफैक्ट अभी इनकी टेस्टिंग भी चल रही है, बहुत जगह स्पाई हो रहे हैं इनके मॉडल्स सीएनजी वाले टेस्टिंग करते हुए। तो आज के वीडियो में कंप्लीट डिटेल बात करेंगे कि क्या क्या रहने वाला है, पावर वगैरह क्या रहेगी, कब तक आएंगे, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ क्या रहने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में बोला कि भाई पंच का सीएनजी कब आने वाला है, पंच इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आई तो अभी क्या उनको सीएनजी भी चाहिए। अगर आज के टाइम पे आप देखो ना तो सीएनजी में मारुति ही बड़ा प्लेयर है, उसके बाद हुंडई के कुछ मॉडल हैं, तो कोई तीसरा प्लेयर है नहीं। हम मुझे ऐसा लगता है कि टाटा अगर ये तीनों मॉडल्स के सीएनजी ला देता है तो टाटा एक बड़ा प्लेयर के तौर पे सामने आने वाला है। क्योंकि पंच लोगों को बहुत पसंद है, टिगोर भी एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान में पसंद करी जा रही है, टियागो एक हैचबैक है जो कि एक अफोर्डेबल सेगमेंट है ये, तो समझ सकते हो। तो इसमें अगर सीएनजी आ जाएगा तो बहुत सारे बायर्स जो मारुति में सीएनजी के लिए जाते हैं वो टाटा की तरफ ही रहेंगे। इनफैक्ट टाटा का ये भी कहना है कि नेक्सॉन में भी वो सीएनजी लाएगा, तो नेक्सॉन में हालांकि टाइम है नेक्सॉन की सीएनजी आने में, बट सोचो अगर नेक्सॉन में भी सीएनजी आ गया तो यार मज़ा आ जाएगा। नेक्सॉन की सेल्स वैसे भी बढ़ रही है, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, लोगों को पसंद आ रही है, अगर सीएनजी आ गया तो एक अच्छी बात हो जाएगी यहाँ पे। और वैसे आप सभी को पता है टाटा की कार्स की सेफ्टी कितनी अच्छी होती है, तो सभी लोग अभी टाटा की कार्स को प्रेफर कर रहे हैं सेफ्टी की वजह से। और सेफ्टी के साथ साथ ऐसा है ना कि यार चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया गया है, सेफ्टी दे दी, इसी के साथ साथ फीचर्स भी दे रहे हैं, लुक्स भी अच्छे दे रहे हैं, तो सब चीज़ों का एक पूरा पैकेज मिला के टाटा की कार्स अभी आपको देखने को मिलती है पैसेंजर का मार्केट में। अगर मैं यहाँ पे सीएनजी की बात करूँ तो इनफैक्ट अभी कुछ डीलर्स ना सीएनजी टियागो सीएनजी या टिगोर सीएनजी के अनऑफिशियल बुकिंग लेना भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खरीदना है तो आप अपने डीलर के पास, जो भी आपके नियरेस्ट डीलर हो, उनके पास जाके पता करो कि क्या भैया अभी मैं बुक करा सकता हूँ कि नहीं। बट हाँ ये है कि बहुत ही जल्दी ये मॉडल्स आने वाले हैं, पहले टियागो और टिगोर के आएंगे, फिर थोड़े टाइम बाद पंच का भी आपको सीएनजी देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सीएनजी खरीदने का प्लान कर रहे थे और आपको पंच बहुत पसंद है तो आप थोड़ा सा रुक सकते हो, शायद आपको मिल जाए वो। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ रही है ना, तो सीएनजी को कंसिडर किया जा सकता है, थोड़ा सा पावर में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, बट यार जो ओवरऑल पॉकेट फ्रेंडली है वो सीएनजी ज़्यादा है। हाँ अब बात करें गाड़ी में क्या क्या रहेगा, तो देखो जो अभी आपको करंट में टियागो टिगोर या पंच देखने को मिलती है वही मॉडल्स रहेंगे, कोई मतलब ऐसा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। इंजन भी सेम रहेगा, जो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है ना, 85 bhp का पावर देता है, 130 Nm की पावर देता है, सेम इंजन रहेगा 5-speed ट्रांसमिशन के साथ। बट इसमें क्या होगा, एक नया फ्यूल सिस्टम ऐड कर दिया जाएगा सीएनजी का। अब सीएनजी ऐड होगा तो थोड़ी बहुत पावर भी इसकी ड्रॉप होगी, तो सीएनजी में इसकी एक्सपेक्ट करी जा रही है कि लगभग 70 पीएस का पावर आउटपुट देगा और 19 एम का टॉर्क आउटपुट देगा। तो मेरे हिसाब से इतना पावर आउटपुट और टॉर्क आउटपुट सीएनजी के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत आपको करने नहीं वाला ये छोटी साइज की गाड़ी के लिए। इनफैक्ट ऑरा का मैंने भी रिव्यू किया था, तो ऑरा में भी लगभग इतनी ही पावर आउटपुट निकल रही है सीएनजी में, तो ऑरा में मुझे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लगा, मतलब मैनेज किया जा सकता है मैं डेली अपनी ड्राइव में। बाकी इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, फीचर्स वगैरह सब कुछ सेम ही रहने वाला है। अब मुद्दा यह है कि कौन से वेरिएंट में ये सीएनजी के ऑप्शन देंगे, क्या पता ये सभी वेरिएंट में ऑप्शन दे देंगे। जैसे अगर पंच में प्योर एडवेंचर एकॉम्प्लिश जितने मॉडल्स हैं, इसमें से कौन से मॉडल में आपको सीएनजी की किट फैक्ट्री फिटेड देखने को मिलेगी, वो एक मुद्दा है। और क्या पता सब में मिल जाए तो वो और अच्छी बात होगी, बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मिड वेरिएंट में सीएनजी की फिटिंग करके देंगे कंपनी फिटेड, क्योंकि वो वेरिएंट ज़्यादा बिकते भी हैं और सभी को मिड वेरिएंट एक वैल्यू प्रोपोर्शन लगता है, क्योंकि फीचर्स भी सारे मिल गए और पैसे भी आपको कम देने पड़ते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो अभी जो आपको पेट्रोल में प्राइस पे कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर वेरिएंट का, तो उससे आप 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए ज़्यादा आप ऐड कर सकते हो सीएनजी के लिए, इतना ही कॉस्टिंग जाता है, 2 लाख में एक्स टू मैक्स इतना ही जाने वाला है। अब राइवल्स की अगर बात करूँ तो देखो टियागो का अगर आप राइवल देखो सीएनजी में सेंट्रो है और i10 नियोस है सीएनजी में, और आपकी ये है मारुति वैगन आर है। और अगर आप टिगोर को देखो तो टिगोर ऑरा को कॉम्पीट करेगी सीएनजी में, और डिज़ायर में भी है सीएनजी बट वो नॉर्मल वेरिएंट में नहीं है, वो टूर वेरिएंट में है। पंच का कॉम्पिटिशन यार मुझे लगता है कि इन सभी से होने वाला है, सभी के पास पंच को देखेंगे, पंच सीएनजी को देखेंगे। तो यही आप बताओ टाटा की सीएनजी कार्स का, सीएनजी फैक्ट्री फिटेड कार का वेट कर रहे हो कि नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर।